hey everyone welcome back to mindsman tutorials so we are starting with 176th question in today's video and we will be counting it as 76th question so yeah without further ado let's get started the statement here is condition resulting from infestation by the larvae maggots of flies is वो कंडीशन जिसके अंदर जो लार्वे मैगॉड्स जिनको कहते हैं जो लार्वा होते हैं फ्लाइस उनको मैगॉड्स का नाम दिया जाता है तो जो मैगॉड्स होते हैं उनकी जो कंडीशन होती है ऐसी कंडीशन जिनमें उनका इन्फेस्टेशन देखने को मिलता है उसको क्या कहा जाता है मायासिस हिस्टोलाइसिस कैस्ट्रेशन या फिर नेक्रोसिस तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन जो कि है मायासिस क्योंकि हम एक तरह से बात की जाए तो जो इन्वेजन होता है किसी भी पार्ट बॉडी का जो रहता है मैन का उसमें अगर इन्वेजन हो जाए एनिमल्स का या फिर उनके एग्स का उनके लार्वे का खासतौर पर फ्लाइज के लार्वे का तो उसको जो कंडीशन का नाम होता है उसको मायासिस कहा जाता है अगर मस्का डोमेस्टिका की बात की जाए तो वो अपने जो कहना चाहिए ओवम होते हैं या उनके एग्स होते हैं उसको डिपॉजिट या फिर ओविपॉजिट या फिर लार कर देती है ह्यूमन के टिश्यूज़ के अंदर तो इसको मायासिस कहा जाता है और टिश्यूज से रिलेटेड था इसलिए एम वाई यहाँ पर वर्ड आ चुका है 177 प्राइमरी लाइसोसोम्स इन अ सेल आर फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिक्टियोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया नन ऑफ दिस राइट आंसर वुड बी ए ऑप्शन बिकॉज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता उससे ही लाइसोसोम्स डायरेक्टली फॉर्म होते हैं और वो एक तरह से बर्डिंग ऑफ के प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ब्लड होता है वो किडनी को लीव करता है एक वेसल के थ्रू उसका नाम क्या होगा रीनल वेन ग्लोमेरुलस रीनल आर्ट्री और पोर्टल वेन तो राइट आंसर वुड भी फर्स्ट ऑप्शन यर रीनल वेन रीनल आर्ट्री जो होती है वो किडनी को एंटर करती है एक पो, पोजीशन से एंटर करती है किडनी में जिसको हाइलस कहा जाता है फिर वो धीरे धीरे स्मॉलर वेसल्स की तरफ बढ़, बढ़ती है जिसको आर्टेरियल्स कहा जाता है फिर एक एफरेंट आर्टेरियल होता है जो कि ग्लो मेरूल्स में एंटर करता है फिर और वो बिगर डायमीटर uh, में चेंज होता जाता है फिर उसके बाद वो ग्लो मेरूल्स को लीव करता है इसी तरह से वहाँ पर इफरेंट आर्टेरियल फॉर्म होता है उसके बाद वो कैपिलरी नेटवर्क जो होता है उसके अंदर हम एंटर करेंगे तो साथ में एक तरह से uh, पूरा यूनिनीफेरस ट्यूब्यूल फॉर्म होता है उसके बाद क्या होता है जो कैपिलरीज होती है फिर से वो रीयूनाइट करती है और एक वेन्यूल को फॉर्म करती है वेन्यूल फॉर्म करने के बाद अल्टीमेटली वो ज्वाइन कर लेती है रीनल वेन को और फिर वो जो रीनल वेन होती है वो किडनी से फिर से हाइलस की ही फॉर्म में आ, कहना चाहिए उसकी आ, 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 आउटसाइड उसके एंट्री उसकी एग्जिट होती है सॉरी फिर उसके बाद जो ब्लड होता है वो वहाँ से लीव करता है किडनी के थ्रू और यहाँ जो रीनल वेन्स होती है वो फिर हार्ट की तरफ उसको लेकर जाती है तो जो ब्लड होता है वो किडनी से रीनल वेन के थ्रू निकलता है और वो फिर से हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर चली जाती है तो रीनल वेन यहाँ पर सही आंसर था 179 तो यहाँ स्टेटमेंट है कि जो बेसिक मोनोमर्स होते हैं डीएनए एन के टाइम पे यूज होते हैं ग्लूकोस आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स सो द राइट आंसर वुड बी डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स बिकॉज दे आर यूज एज अ बेसिक मोनोमर्स ड्यूरिंग डीएनए एप्लीकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच मल्टी एनजेम कॉम्प्लेक्स इनकॉर्पोरेट्स एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोसाइड ट्राइफोस्फेट्स इनटू अ डीएनए चेन ऐसा इनमें से कौन सा मल्टी एनजेम कॉम्प्लेक्स होगा जो कि इनकॉर्पोरेट हो जाता है एक तरह से एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोसाइड के ट्राइफोस्फेट में और फिर उसके बाद डी एन ए चेन के अंदर तो हम यहाँ जो इसका कंसेप्ट समझेंगे कि जो डी एन ए पॉलीमरेज होता है पहली बार तो वो ज्वाइन करता है न्यूक्लियोटाइड्स के साथ और फिर उसको कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है और एक तरह का डी एन ए टेम्पलेट फॉर्म करता है अब जब डी एन रेप्लीकेशन होता है तो जो पेरेंट

लेक रिप्रेसर प्रोटीन इज जो लेक रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो कैसा होता है थर्टी सिक्स अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन लेंथ फोर्टी अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज इन लेंथ फोर्टी टू अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज इन लेंथ फोर्टी फोर अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज इन लेंथ सो राइट आंसर वुड बी ए ऑप्शन थर्टी सिक्स अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन लेंथ क्योंकि उसमें थर्टी सिक्स अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं प्रोटोथीरियंस की बात की जाए अगर वो कनेक्टिंग लिंक होती है तो किसके बीच में होती है रेप्टाइल्स एव्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस एनेलिड आर्थोपोडा रेप्टाइल्स या फिर मेमल्स तो सही आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स मैंने जो नीट अपेंडिक्स सीरीज ऑलरेडी फॉर्म कर रखी है अपलोड कर रखी है आप देख सकते हैं तो उसमें मैंने पूरी जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की कनेक्टिंग लिंक्स है उनके बारे में एक्सप्लेन करा था एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो ये वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा सारी वहाँ पर जो डिफ़िकल्ट टाइप की कनेक्टिंग लिंक्स होती है एक्सप्लेन है और मैंशनड है तो आप देख पाएंगे वन एटी टू को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर कि प्रोटो क्या होते हैं जो प्रोटो होते हैं या इनको प्रो भी कहा जा है सकता है। ये मेमेलियन सब क्लास के मेंबर्स होते हैं जो कि जो मोनोट्रीम्स होते हैं वो ऐसे अकेले मोनोट्रीम्स हैं जो कि सरवाइव हो चुके हैं या उन्होंने सरवाइव कर लिया अब इनमें क्या पाया जाता है तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं ये जो प्रोटोथीरियन्स होते हैं ये कुछ फ़ीचर्स मैमल्स के शो करते हैं जिनमें स्पीशीज़ जो इनकी होती है उनमें हेयर प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और ये होम्योथर्मिक भी होते हैं साथ में इनमें कुछ रेप्टिलियन रेप्टिलीनियन फीचर्स भी होते हैं रेप्टाइल के फ़ीचर्स भी पाए जाते हैं जैसे कि इनकी एग लेंग की जो रिटेंशन होती है सेपरेट कोरोड होती है इनका इंटर क्लेविकल बोन्स इनमें पाई जाती है इनके पेक्टोरल गर्डल के अंदर और वो विजिबल भी होती है आउटसाइड से साथ में इनको कंसिडर इसी वजह से किया जाता है कनेक्ट क्टिंग लिंक जो कि रेप्टाइल्स और होती है क्योंकि इनमें रेप्टाइल्स और मैमल्स दोनों की ही फीचर्स पाए जाते हैं तो ये थे प्रोटोथीरियंस और ये मेमेलियन सब क्लास के अकेले ऐसे मोनोट्रीम्स है जो कि सर्वाइव कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शनल एनाटॉमी फंक्शनल न्यूरोलॉजी फंक्शनल ऑस्टियोलॉजी फंक्शनल कार्डियोलॉजी सही आंसर होगा ए ऑप्शन फंक्शनल एनाटॉमी क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी की जाती है एनिमल की तो वो एनाटॉमी में ही काउंट होगी विच ऑर्गनल वुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड बाय एंडोसिम्बायोसिस माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस फ्लेजिला क्लोरोप्लास्ट सही आंसर होगा सी ऑप्शन एंडो सॉरी यहाँ यहाँ पर क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कि ओरिजिनेट नहीं हुआ हुआ हुआ, हुआ होगा एंडोसिम्बायोसिस से तो सही आंसर होगा न्यूक्लियस सी ऑप्शन क्योंकि जो एंडोसिम्बायोसिस होता है एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है सेल्स का जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज के सेल्स की बात की जाती है वो एक दूसरे को इनहेबिट करते हैं और उसमें से जो लार्जर पार्ट रहता है वो होस्ट की तरह एक्ट करता है छोटे वाले के लिए साथ में जो सीरियल एंडोसिम्बायोसिस होता है उसको ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो इंपॉर्टेंट होता है फॉर दी अकरेंस ऑफ यूकेरियोटिक क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्लेजिला और सीलिया के लिए अब जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे अगर बात की जाए तो एंडोसिम्बायोसिस से फॉर्म नहीं हुआ होता है क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी एक तरह से कंटेन रहता है इसके अंदर अगर न्यूक्लियस के सेल के न्यूक्लियस सेल के अंदर तो ये वाली चीज़ें आ जा जाती है इसलिए न्यूक्लियस यहाँ पर सही आ सकता है वो एंडोसिम्बायोसिस से फॉर्म नहीं हुआ है वन एटी फाइव वायरस कंसिडर्ड नॉन लिविंग बिकॉज वायरस को हम नॉन लिविंग क्यों मानते हैं ऑप्शन से वो म्यूटेट नहीं कर सकते वो लोग कोमोट नहीं कर सकते वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली या फिर उनके न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कोडिंग नहीं कर सकते प्रोटीन के लिए सही आंसर होगा सी ऑप्शन क्योंकि वायरस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस uh, इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते और उनकी अगर बात की जाए तो उनकी जो बाउंड्री लाइन होती है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की उन्हीं को माना जाता है कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बाउंड्री लाइन है कनेक्टिंग है। और वो रेप्लीकेट भी नहीं कर पाते अगर उनको एक लिविंग मशीनरी नहीं मिल पाई तो तो लिविंग मशीनरी के लिए वो एक लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और जो वायरस होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन रहता है uh, क्या कहना चाहिए एक न्यूक्लियो प्रोटीन की एंटिटी होता है और वो कैपेबल होता है मल्टीप्लीकेशन का जब वो सेलूलर मशीनरी किसी भी होस्ट सेल की अपने पास ले ले टेक ओवर कर ले विदाउट इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिविजन तो ये सारी चीज़ें वायरस के लिए इंपॉर्टेंट थी नेक्स्ट इरेथ्रोपोइन अब इरेथ्रोपोटिन जो होता है वो रिलीज होता है ब्लड में किडनी के थ्रू स्प्लीन के थ्रू लिवर के थ्रू बोन मैरो के थ्रू तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन किडनी के थ्रू क्योंकि जो रेट होता है इरेथ्रोपोइसिस का वो इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाता है एक हॉर्मोन के थ्रू जिसको इरेथ्रोपोइटिन कहा जाता है इरेथ्रोपोइसिस का रेट इरिथ्रोपोइटिन कंट्रोल करता है और वो रिलीज होता है ब्लड के अंदर किडनी के थ्रू इरेथ्रोपोइटिन एक तरह से बात की जाए तो सर्क्यूलेटिंग ग्लाइकोप्रोटीन रहता है जो कि प्रोड्यूस होता है इंटर सेल से जो कि पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी जो बेड होता है किडनी का उसमें से फॉर्म होता है और ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेंसिटिव स्टेम सेल्स को बोन के अंदर फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो कि रेड ब्लड सेल्स के प्री के अंदर फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके मैच्योर इरे को फॉर्म करते तो ये कुछ प्रोसेस इसकी होती है मैं यहाँ एक फ्लोचार्ट बनाती हूँ जिससे और क्लियर होगा सबसे पहले किडनी होती है किडनी किडनी के बाद एरिथ्रोपोइटिन होता है हम उसको एरिथ्रोपोइटिन को ई के फॉर्म में लिखेंगे वो इंक्रीज करता है जब एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज़ करता है तो बोन मैरो जो होता है बोन मैरो वो क्या करता है वो एरिथ्रोपोइटिन के सेंसिटिव कमिटेड जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको फॉर्म करता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स के प्रीकर्सर्स की तरफ आर बी प्रीकर्सर्स प्रीकर्सर्स उसके पूर्वज कह सकते हैं हम हाँ आर बी प्रीकर्सर्स फिर उसके बाद क्या बनता है एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं जिनको हम आर बी सी भी कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट या फिर आर बी सी तो ये पूरा हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट भी बना लिया सेवरल एनिमल रिहेबिलव बिन एस्टिब्लिश इन वेरियस स्टेट ऑल ओवर द कंट्री ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ एस्टिब्लिश रिहेबिलटेशन सेंटर ऑफ मस्क डियर एट कॉरब नैशनल पार्क कंचूला खारक दुधवा नेशनल पार्क या फिर नन ऑफ दिस तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन जो कि है कंचूला खारक इसी जगह पर मस्क डियर की रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को गवर्नमेंट ने बनाया था तो यहाँ सही आंसर ये है इसमें कुछ कंसेप्ट रिक्वायर्ड नहीं है इसको लर्न करना जरूरी है वन एट्टी एट देख लेते हैं मसल फाइबर इज स्टिम्युलेटेड बाय अ मोटन ऑफ फाइबर विच इज कॉन्ट्रेक्टेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एक्टोमायोसिन कोलोमायोसिन ट्रोपोमायोसिन या फिर मीरो तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन एक्टोमायोसिन मसल फाइबर इसी तरह से uh, मतलब उसका स्टिमुलेशन होता है मोटन ऑफ फाइबर में जो प्रोसेस होती है इसी थ्रू होती है जो एक्टोमायोसिन होता है एक तरह का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है मसल्स में पाया जाता है जो कि फिर वो क्या करता है वो फॉर्मड होता है मस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्टिन के और मायोसिन के उसके थ्रू बनता

टेल दिस पज इज अर्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स कंटेनिंग प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कॉल्ड रेटिक्यूलिनिडाइसिस फाइबरिन सही आंसर यहाँ पर होगा कैथेप्सिन बी ऑप्शन क्योंकि जो कैथेप्सिन होते हैं वो ग्रुप होते हैं प्रोटियोलेटिक एंजाइम्स का जो कि लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं तो कैथेप्सिन यहाँ पर सही आंसर था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो इसको लर्न करके रखना है कैथेप्सिन लाइसोजोम से रिलेटेड है प्रोटियोलेटिक एंजाइम होते हैं ग्रुप ऑफ तो ये सारी चीजें इसके लिए जरूरी थी अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वन में चूज करना है every enzyme has a specific active site every enzyme possesses uh, possess absolute specificity in combining with reactants every enzyme have cofactors for all of the above तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबर्स क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही थे एंजाइम्स लार्ज होते हैं स्पेशलाइज ग्लोबुलर प्रोटीनेशियस बायोकेटिलिस्ट होते हैं जो कि फोल्डेड रहते हैं थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कि एक सेल में सिंथेसाइज होते हैं साथ में जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं जब तक कि उनको कॉन्जुगेशन uh, ना मिल जाए किसी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ या फिर कोई आयन के साथ जिसको हम कोफेक्टर कहते हैं जब हर एंजाइम के अंदर अगर बात की जाए तो हर एंजाइम के अंदर एक तरह की स्पेसिफिक मोलिकुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि डिपेंड करती है कैटेलिटिक एक्टिविटी के ऊपर अब हर एंजाइम मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ एक्टिव साइट्स होती है जो कि कंबाइन करती है रिएक्टेंट के साथ और स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिएक्शन को अंडर करती है तो इस तरह की चीज़ें हमें एंजाइम्स के बारे में पढ़ी हमने और वो जरूरी थी और यहाँ ये यह तीनों ही पॉइंट्स सही थे वन देख लेते हैं हाई एनर्जी टर्मिनल बॉन्ड ऑफ ए टी पी लॉक्स अबाउट सेवेंट टू हंड्रेड कैलोरीज ऑफ बॉन्ड एनर्जी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड कैलोरीज ऑफ बॉन्ड एनर्जी फाइव थाउजेंड कैलोरीज ऑफ बॉन्ड एनर्जी टू थाउजेंड कैलोरीज ऑफ बॉन्ड एनर्जी सही आंसर यहाँ पर होगा ऑब्वियसली बी ऑप्शन सही है क्योंकि ये हमें हमेशा याद करना होता है कि जो हाई एनर्जी टर्मिनल बॉन्ड होता है ए का वो हमेशा सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड कैलोरीज जो होती है बॉन्ड एनर्जी के वहीं पर लॉक करता है तो वन नाइन्टी वन का बी आंसर सही है वन नाइनटी टू ऑर्किडेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज टेस्टिकल किडनीज ऑफ और स्पी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा कि अगर मान लीजिए ये अगर हम टेस्टिकल की बात करते हैं तो व्हाट डू मीन बाय टेस्टिकल तो ये कलेक्टिव टर्म होती है फॉर टेस्टीज एंड एपीडीडाइमिस तो टेस्टीज प्लस एपीडी टेस्टिस तो और एपिडीडाइमिस मिलकर टेस्टिकल को फॉर्म करती है एक कलेक्टिव टर्म होती है अगर यहाँ पर सर्जिकल रिमूवल हो जाता है टेस्टिस का तो उसको ऑर्किडेक्टोमी कहा जाता है तो यहाँ सही आंसर होगा ऑर्किडेक्टोमी और बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर बात की जाए तो ऑर्की वर्ड ओवरीज से ज़्यादा रिलेट हो रहा है तो वो ओवरीज को टिक कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है टेस्टिकल के रिमूवल को ऑर्किडेक्टोमी कहा जाएगा टेस्टिस के रिमूवल को भी ऑर्किडेक्टोमी कहा जाएगा या फिर उसकी एक और टर्मिनोलॉजी होती है अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होता तो दूसरा शब्द वो देते हैं यहां पर कैस्ट्रेशन कैस्ट्रेशन ठीक है तो ऑर्किड इज इक्वल्स टू कैस्ट्रिक कैस्ट्रेशन ठीक है अब यहाँ पर एक और थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं अगर इस क्वेश्चन पे आ गया अगर रिमूवल ऑफ ओवरीज की बात होती तो उस प्रोसेस को क्या नाम देते तो अगर ओवरीज़ का रिमूवल होता तो उसको ओवेरेक्टोमी कहा जाता अगर यहाँ पर किडनीज़ का रिमूवल होता तो यहाँ पर उसका, तो उसका शब्द हो जाता नेफ्रो नेफ्रोएक्टोमी मैं स्पेलिंग भी लिख दूंगी फिर अगर स्प्लीन का रिमूवल होता तो उसको स्प्लीन कहा जाता तो आप यहाँ नोट भी कर लेते हैं ओवरीज के रिमूवल को हमने नाम दिया ओवेरियाटोमी ओवेरिय टोमी फिर उसके बाद किडनीज के रिमूवल को हमने बोला नेफ्रो एक टोमी नेफ्रो एक नेफ्रो एक टोमी ठीक है थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि इतना अच्छा चापेटर्स अभी है नहीं हम लोगों के पास लॉकडाउन की प्रॉब्लम्स में स्प्लीनक टॉमी लास्ट है हमारे पास स्प्लीनिक टॉमी तो ये सारी हमने टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर नोट की नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लॉ ऑफ प्रायोरिटी से वैलिड नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो लॉ ऑफ प्राटी है वो क्या कहता हैम कैसा होता है मोस्ट पॉपुलर नेम ओलस्ट यूज नेम ओल्डेस्ट नेम मॉडिफाइड बाई न्यू वर्कर्स या फिर नेम गि इन लैटिन तो सही आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन जो की ओल्डेस्ट यूज नेम तो वन नाइनटी थ्री का सी ऑप्शन है इसको तो लर्न करना जरूरी है तो कंसेप्ट रिक्वायर्ड नहीं है ऑल्दो मच सी ओ टू इज़ कैरीड इन ब्लड येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक बिकॉज अगर बात की जाए तो जो सी ओ टू रहती है वो कैरीड रहती है ब्लड उसको कैरी करता है लेकिन फिर भी जो ब्लड रहता है वो ज़्यादा एसिडिक क्यों नहीं होता ऐसा क्या रीज़न है क्योंकि सी ओ टू तो एसिडिक है और फिर ब्लड फिर एसिडिक क्यों नहीं होता वो कई हद तक उसका सेवन पॉइंट फोर के करीब पी एच होता है तो क्या रीजंस हो गए तो अगर बात की जाए तो जो बफरिंग एक्शन होती है ब्लड की वो वहाँ पर एक्ट करती है इसी वजह से वो एसिडिक नहीं होता और जो मेन बफर रहता है प्रेजेंट बॉडी के अंदर उसका नाम होता है बाय कार्बोनेट बाई कार्बोनेट जो होता है वो एक तरह से इक्विल इक्विलिब्रियम को मेनटेन करता है कार्बोनिक एसिड के साथ जो उसके बदले कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर मैं यहाँ पर उसको नोट करती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ जो एच होता है और सी होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं वो मिलकर बनाते हैं एच टू सी ओ थ्री जिसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता है फिर जो एच टू सी ओ थ्री रहता है वो मिलकर बना लेता है एच प्लस और प्लस करके यहाँ पर आएगा एच सी ओ थ्री माइनस एच सी ओ थ्री माइनस तो ये है बाइकार्बोनेट का आयन और हाइड्रोजन तो ये चीज़ होती है तो इसी बफर सिस्टम की वजह से जो सी ओ टू होती है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने के बावजूद भी ब्लड जो होता है वो एसिडिक नहीं होता सिर्फ उसको ट्रांसपोर्ट करता है एसिडिक होने की प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो बफर सिस्टम एक्ट कर रहा होता है बफर सिस्टम होता ही ये है कि वो एक तरह से मेनटेन करता है पी एच को भले आप एसिड डाल दो आप अल्कली डाल दो लेकिन वो फिर भी वहाँ पर मेनटेन करेगा तो वो होते हैं बफर्स ड्यूरिंग एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म अगर एरोबिक ऑक्सीडेशन हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का करते हैं तो कितने मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होंगे टेन ट्वेल्व थर्टीन या फिर फोर्टीन तो अब यहाँ पर क्या होता है जब एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है तो एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का वो क्या करता है ट्वेल्व मोल्स ऑफ वाटर को फॉर्म करता है तो ये पूरा एक रिएक्शन होता है इसको हम बाद में किसी दिन एक्सप्लेन करेंगे अभी थोड़ा सा लास्ट टाइम चल रहा है नीट के आसपास का तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बाद में हम इसके कंसेप्ट भी देखेंगे तो अभी इतना ही कर सकते हैं हम तो उस पर फोकस करना है तो ट्वेल्व आपको अभी के लिए फिलहाल लर्न कर लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा तो मैंने यहाँ टिक कर दिया 196 जो पॉइजन होते हैं जैसे कि साइनाइट वो इनिबिट कर लेते हैं सोडियम इफ्लक्स और पोटेशियम के इनफ्लक्स को ड्यूरिंग सेल्युलर ट्रांसपोर्ट दिस इनहिबिटरी इफेक्ट इज रिवर्सड बाय एन इंजेक्शन ऑफ ए टीपी दिस डिमोन्स्ट्रेट दैट अब क्या होता है ये कह रहे हैं जो पॉइजन होता है साइनाइट वो क्या करता है वो इनिबिट कर देता है रोक देता है सोडियम के इफ्लक्स को यानी बाहर जाने को और पोटेशियम के इनफ्लक्स को यानी कि अंदर आने को किसमें में सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट में देखिए ये बोल रहे हैं ये जो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है इसको आप रिवर्स कर सकते हो अगर आपने एक इंजेक्शन लगा दिया ए का तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो क्या शो करेगा ऑप्शन है ए टी पी इज़ अ कैरियर प्रोटीन इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनर्जी फॉर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप कम्स फ्रॉम ए टी पी ए टी पी इज़ हाइड्रोलाइज बाई ए टी पी एज टू रिलीज एनर्जी सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप ऑपरेट्स इन द सेल सही आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन जो कि एनर्जी फॉर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप कम्स फ्रॉम ए टी पी तो ये वाली चीज़ है यहाँ पर क्योंकि उसकी एनर्जी ए टी पी से आती है इसी वजह से वो चेंज हो जाता है जो साइनाइड होता है उसके लिए ये भी कहा जाता है कि अगर इफ, अगर उसको टंग के नीचे अप्लाई कर दिया जाए तो जो इंसान है वो बहुत जल्दी ही उसकी डेथ हो सकती है ह्यूमंस में अगर बात की जाए तो साइनाइड की प्रॉब्लम है और एक और चीज़ ऐसी होती है कि जो एप्पल की सीड्स होती हैं उनमें भी साइनाइड प्रेजेंट होता है तो अगर आपने मॉम फिल्म देखी होगी तो उसके अंदर भी इस बारे में बहुत कुछ बताया था तो उसके कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो गए तो ये फ़िलहाल हमने थोड़ा तो ज़्यादा देख लिया साथ में एक कंसेप्ट और यहाँ क्लियर करना ज़रूरी है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अपिल मूवमेंट में हेल्प करता है मटेरियल्स के जो कि मेम्ब्रेन के आसपास होता है अब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं अगेंस्ट देयर केमिकल कंसेंट्रेशन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इसी वजह से जो ट्रांसपोर्ट रहता है उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ए के फॉर्म में अब जो मेटाबॉलिक इनिबिटर्स होते हैं जैसे कि साइनाइड जो कि इनिबिट करते हैं एब्जॉर्बन ऑफ सॉल्यूट्स को बाय लोवरिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन तो उनके लिए ये वाली चीज़ें अलग रोल प्ले कर देती है कंसिक्वेंटली अगर बात की जाए तो जो अगर लेस एटीपी होगी वो इसी वजह से फॉर्म होगी इसी वजह से अगर हम एटीपी को ऐड कर देंगे तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा वो फैसिलिटेट हो जाएगा तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर रीजन था 197 नाइनटी सेवन है हेवर्शियन केनाल्स आर प्रेजेंट इन हेवर्शियन केनाल्स किस चीज़ में इनमें से पाई जाती है बोन मैरो बोन मैट्रिक्स हाइलिन कार्टिलेज कैल्सिफाइड कार्टिलेज तो सही आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन जो कि है बोन मेरिक्स हैवर्सन सिस्टम जो होता है वो एक तरह का एनाटोमिकल यूनिट होता है कॉम्पैक्ट बोन के अंदर और सेंट्रल हैवर्सन कैनाल जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है बोन मेट्रिक्स के अंदर तो यहाँ वन नाइन्टी सेवन में बोन मेट्रिक्स सही आंसर था ग्रुप ऑफ एन एमनियोटा इंक्लूड्स बर्ड्स एंड मेमल्स रेप्टल्स एंड मेमल्स रेप्टल्स एंड बर्ड्स फिशेज एंड एम्फीबिया तो डी आंसर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा फिशेस एंड एम्फीबिया क्योंकि जो एन एमनियोट्स होते हैं वो ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर एमिनियन या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती या फिर सराउंड नहीं करती एम्ब्रियो को और वो इनकेस इनकेस भी नहीं करते मतलब एक तरह से इनकास भी नहीं करती एक तरह से एमनियोटिक फ्लूड को तो यहाँ जो इसमें चीज़ें देखने को मिलती है उसके अंदर आ जाते हैं माइगजीनी सेफेलास्पीडोमर्फा थाइज uh, आ जाते हैं ऑस्ट्रिक थाइज आ जाते हैं एम आ जाते हैं तो फिशेज एंड एम्फीबिया इसके लिए सही आंसर था क्योंकि वो एन एम्योट्स होते हैं इनमें एमिनियोटिक सेक्ट पाया नहीं जाता है या फिर वो मैमरिन पाई नहीं जाती है अब ब्लड क्लॉटिंग की बात करी जाए तो जब ब्लड क्लॉटिंग होती है जो प्लेटिलेट्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं थ्रोमिन थ्रोम्बोकाइनिस प्रोथ्रामिन फाइब्रिनोजन तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन थ्रोम्बोकाइनीज अगर बात की जाए तो जो ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स होते हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होता है फॉस्फोलिपिड का और एक प्रोटीन का जिसको थ्रोम्बोकाइनेस कहा जाता है जो कि डैमेज सेल से सिक्रियट आउट होता है तो ये थोड़ा बहुत था एक फ्लोचार्ट भी बना लेते हैं और ईजी हो जाएगा समझना तो यहाँ ड्रॉ करते हैं मान लीजिए है, यहाँ पर एक इंजोर्ड टिश्यू है इंजोर्ड टिश्यू है ना उसमें चोट लगी थी तो वो क्या सिक्रिएट करेगा वो थ्रोम्बो प्लास्टिन को सिक्रियट करेंगे टीपी उसको हम यहाँ लिख रहे हैं अब जो ब्लड प्लेटिलेट्स होते हैं हाँ तो हम फ्लोचार्ट चार्ट को फिर से ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था यहाँ पर फिर से हमको देखना पड़ेगा इंजोर्ड टिश्यू जो होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को सिक्रिएट करता है ब्लड प्लेटिलेट्स जो होते हैं वो प्लेटिलेट के थ्रोम्बोप्लास्टिन को सिक्रीट करते हैं अब वो दोनों मिलकर कंबाइन कर लेते कौन कंबाइन करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटिलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कंबाइन कर लेते हैं एक प्रेजेंस होती है कैल्शियम आयंस की उसके प्रेजेंस में कर पाते कैल्शियम आयंस की और क्या बना लेते हैं प्रोथ्रोम्बिनेस को बना लेते हैं उसके ऊपर वो जो प्रोथ्रोमिनेस होता है वो इनएक्टिवेट करता है हैपेरिन को और फिर वो क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करता है फिर उसके बाद जो थ्रोम्बिन होता है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करता है फिर उसके बाद जो फाइब्रिन होता है वो पॉलीमराइज करता है जिससे कि वो क्लॉट को बना पाए और क्लॉट को साइंटिफिक लैंग्वेज में थ्रोम्बस कहा जाता है थ्रोम्बस तो इफ यू आर स्टिंग एज अगर हम बात की करें अगर यू आर शडिंग फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर एक मेडिको बनना चाहते हैं तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज भी आना चाहिए आपके जाके आपको क्लॉट्स की बजाय थ्रोम्बस वर्ड यूज़ करना ज़्यादा ठीक होगा तो हम ऐसे अगर फ्यूचर डॉक्टर्स की बात करते हैं तो थ्रोम्बस वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं टू हंड्रेड इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन इन हायर ट्रॉफिक लेवल्स इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेशन रिसाइकलिंग बायोमैग्निफिकेशन यूट्रोफिकेशन राइट आंसर वुड बी बायोमैग्निफिकेशन अ वेरी इजी क्वेश्चन तो जो बायोमैग्निफिकेशन होता है वो एक तरह से उसमें इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन देखने को मिलती है किसी भी कंपाउंड या फिर टॉक्सिक कंपाउंड की जो कि टिश्यूज जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के उनके अंदर इनैक्ट होते जाते हैं धीरे धीरे वो जो कंपाउंड होता है वो फूड चेन के थ्रू पास होता जाता है और यूजुअली ये एक ऐसा रिजल्ट होता है जो कि फूड इंटेक की वजह से होता है और इसकी वजह से जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि एक्यूमुलेशन यानी ढेर लगने लगता है इकट्ठा होने लगता है कोई भी कंपाउंड हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर और उसके बाद वो एक एक करके हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाकर टॉप वाले जो कंज्यूमर से वहां तक भी पहुंच जाता है तो इसको बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर लोवेस्ट जो ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन का वहां से वो सीधे हाइस्ट पे चले जाएगा तो इस तरह की चीज़ें को देखने को यहाँ मिल जाती है सो so या yeah, ये हमने अभी टू हंड्रेड क्वेश्चन तक हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर वन सॉल्व कर रहे थे हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्माइली प्रेजेंट है इसका मतलब है यहाँ एंड होता है और एक और जरूरी बात इसमें टोटल बात की जाए तो अगर ये टू हंड्रेड कह रहे तो हम इसको हंड्रेड मानेंगे हमने टोटल हंड्रेड क्वेश्चन किए अगर मॉडल टेस्ट पेपर वन में देखें लेकिन जो नीट एग्जाम होती है उसमें नाइन्टी क्वेश्चन हमें आते हैं एक बायो के सेक्शन में तो मान लीजिए हमारा पेपर अगर खत्म हो चुका होता तो करीब यहाँ पर 190 के करीब ही पर हो गया होता लेकिन 10 क्वेश्चंस आप ऐसा मान लीजिए बोनस के हैं और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है हमें फॉर्मेट से कोई जरूरी नहीं तो हमने 90 क्वेश्चंस के हिसाब से होना चाहिए था बट हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं फॉर मॉडल टेस्ट पेपर वन एंड वी आर एट दी एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द मॉडल टेस्ट पेपर टू एंड डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच हैप्पी